हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी चैनल। इस वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में हम पढ़ेंगे, तो इसमें 100 ट्रिक्स भी पढ़ेंगे हम। तो आइएगा शुरू करते हैं वीडियो को। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर दे और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं। तो ये मिश्रधन बराबर होता है मूलधन गुणा में 1+ दर बटे 100 की पावर समय। मूलधन को बोलते हैं हम पी, दर को बोलते हैं आर और समय को लिखते हैं हम एन से और मिश्रधन को लिखते हैं ए से। और चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो CI होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। तो CI बराबर हो जाएगा A-P। और साधारण ब्याज जो होता है सिंपल इंटरेस्ट वो होता है P मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। तो सबसे पहले इसमें हम 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे 100 ट्रिक से। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले 1000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो जब भी 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया जाएगा उसके लिए 100 ट्रिक यह फॉर्मूला ये होता है, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा में R/100 इसकी पावर 2। दो वर्ष के लिए जब भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर का कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा इसमें अंतर कितना बताना है हमें, CI और SI का अंतर कितना आएगा। तो मूलधन कितना है यहाँ पर देखिएगा 1000 है तो 1000 और दर दे रखी है यहाँ 5% तो यहाँ आ जाएगा 5/100। तो जब यहाँ से इसे काटेंगे 5 × 5 = 10 ही आ जाएगा 20। तो इसका स्क्वायर है तो इसे 2 बार लिख लेंगे, 1000 गुणा में 1/20 गुणा 1/20। तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएंगे, 2 0 कट जाएंगे, ये बचेगा 2 से काट देंगे इसे 2 × 5 = 10, ये आ जाएगा हमारा, यहाँ बचेगा 5 और नीचे बचेगा 2, 5/2, 5 को जब 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 2.5, ये आ जाएगा CI-SI जो आ जाएगा वो 2.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2.5, इसका आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड इसी तरह से, किसी धन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपये है तो मूलधन कितना होगा। मैंने अभी बताया था 100 ट्रिक क्या है इसकी, 100 ट्रिक यह है इसकी, CI-SI बराबर होता है हमारा P × R/100² ये फॉर्मूला याद रखना है। जब भी 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया जाए तो CI और SI का अंतर हमें कितना दे रखा है 40, तो यहाँ हम 40 रख लेंगे और यहाँ पर मूलधन बताना है हमें तो PAC आ जाएगा और R दी है 10% तो यहाँ आ जाएगा 10/100² यहाँ 0 से 0 कट जाएगा तो 1/10 को 2 बार लिख लेंगे, यहाँ आ जाएगा P गुणा में 1/10 का मतलब 1/10 × 10 का मतलब 100, यहाँ आ जाएगा 40, तो यहाँ से 100 भाग में है गुणा में जाएगा तो आ जाएगा P बराबर आ जाएगा 40 × 100 यानी कि 4000। तो मूलधन कितना होगा 4000, इसका आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन है, किसी धन का निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से 900 और 954 है तो मूलधन कितना होगा। तो देखिएगा CI दे रखा है हमें, इसमें CI दिया है हमें यहाँ पर 954 और SI दिया है 900, SI दिया है हमें 900। तो अभी बताया था मैंने 2 वर्ष के लिए जब भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हो तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम यहाँ पर, CI-SI बराबर क्या होता है P गुणा में R/100 की का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिएगा R भी नहीं दिया है हमें यहाँ और मूलधन भी नहीं दिया है, तो किस तरह से करेंगे, यहाँ पर SI और CI का अंतर तो हो जाएगा 54 और यहाँ पर P × R/100 लिख सकता हूँ इसको मैं, 100 × 100। अब यहाँ से देखिएगा यहाँ से कुछ भी वैल्यू हमें निकल नहीं सकती हमारी, तो अब हम क्या करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है हमारा, SI बराबर होता है P × R/N, समय कितना वर्ष दिया है 2, तो ये आ जाएगा 2/100 बराबर होगा हमारा 900। यहाँ से हम क्या करेंगे P × R का वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से P × R की वैल्यू आ जाएगी 900 × 100/2, तो ये आ जाएगा भाग करेंगे तो 9 × 2 = 8, 2 × 5 = 10, 450 आ जाएगा। RP का मान आ जाएगा हमारा 45000, यहाँ पर हम RP का मान रख देंगे तो यहाँ से हमारी R निकल आएगा, R की वैल्यू जब निकल जाएगी तो हम मूलधन भी फिर इस फॉर्मूले में रखकर R की वैल्यू मूलधन निकाल सकते हैं। तो RP की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं तो 54 बराबर आ जाएगा ये
आरपी की वैल्यू रख देंगे यहाँ 45,000 और गुड़ा में आर बटे में 100 गुड़ा 100 तो यहाँ दो जीरो कट जाएंगे ये, और ये एक जीरो भी कट जाएगा, तीन जीरो कट जाएंगे। यहाँ से काट देंगे 5 × 2 = 10, 5 × 9 = 45, तो ये आ जाएगा 54 × 2 = 9, क्योंकि यहाँ से ये दो इधर गुड़ा में चला जाएगा, 9 भाग में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 × 54 = 12। तो आर की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी आ जाएगी, आर बराबर आ जाएगा हमारा 12%, आर बराबर आ जाएगा 12%। तो आर की वैल्यू इस इक्वेशन में मान रखकर भी निकाल सकते हैं हम पी का मान, और इस इक्वेशन में रखकर भी पी का मान हम निकाल सकते हैं। तो हमें क्योंकि मूलधन निकालना है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, पी गुणा में 12 = 45,000, पी गुणा में 12 = 45,000, यहाँ ये गुणा में है तो ये भाग में चला जाएगा, तो पी बराबर आ जाएगा 45,000 / 12, जब 12 से ही से भाग करेंगे तो ये आएगा 37,050, 12 से जब 45,000 को भाग करेंगे तो ये आएगा 37,050, इसका आंसर हो जाएगा डी 37,050। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसी तरह से देखिएगा, 1,60,000 का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से तिमाही दिए ब्याज क्या होगा। तो तिमाही जब होगा, सॉरी छः माही ब्याज क्या होगा, तो 6 माही होगा तो दर आधी हो जाएगी, तो दर हमारी 10 दे रखी है, तो आर की वैल्यू हमारी 5% हो जाएगी, और समय जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, तो 2 वर्ष दिया है तो समय हो जाएगा हमारा 4 वर्ष, और मूलधन हमारा दिया है 1,60,000। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ए बराबर पी इंटू में 1 + R/100 की होल पावर एन। तो यहाँ पर वैल्यू रख लेंगे हम, पी की वैल्यू है 1,60,000, और यहाँ पर 1 + R की वैल्यू है 5/100 / 4, तो यहाँ से काटेंगे, ये आ जाएगा 21/20 को कितनी बार लिख लूँगा मैं, 4 बार, तो ये आ जाएगा 16,000, वो 1,60,000 गुणा में 21/20 को 4 बार लिख लूँगा, 21/20 गुणा 21/20 4 बार लिखने के बाद इसमें ये चारों जीरो कट जाएंगे, और ये 2 × 4 × 8 × 16, ये पूरे 2 कट जाएंगे 16 से, 4 बार 21 बचेंगे, 4 बार 21 की गुणा करेंगे हम, तो ये आएगा 1,94,481, 21 × 21 में करना 441 आ जाएगा, 441 × 441 में करना ये आ जाएगा 1,49,481। और सी आई जो होता है हमारा वो होता है ए माइनस पी, तो हम क्या करेंगे इसमें से मूलधन घटा देंगे, तो मूलधन कितना है 1,60,000, जब इसमें से हम घटाएंगे तो ये आएगा 34,481, जब ये घटाएंगे तो 34,481 आ जाएगा, ये 34,481 बचेगा जब घटाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 34,481 बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ये चक्रवृद्धि ब्याज का सेकंड पार्ट है, और भी इसके अगले पार्ट में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।